हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड था 850। ये आपका 10 जुलाई 2021 को जो है हमीरपुर बोर्ड द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें जो है जीके पार्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वैक्स क्या है। ठीक है, तो वैक्स क्या है इसको हम एस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचपीजीके का। एचपीजीके काफ़ी अच्छी आई है और इंडिया जीके भी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालेनी जोत कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जोड़ती है। तो बालेनी जो जोत है दर्रा है, ये जोड़ता है आपका कांगड़ा प्लस चंबा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है इसका सेकेंड नेम जो है वो है आपका मिनकनी दर्रा। ठीक है, मिनकनी पास जो है इसका दूसरा नाम है, वो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो भी आपको याद करना है। कांगड़ा प्लस चंबा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें, रालदांग माउंटेन पीक। तो देखिए इसमें हिंदी में थोड़ी सी जो है मिसप्रिंट है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये रालडेंग नहीं होगा, रालदांग होगा। रालदांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये लोकेटेड है आपकी किन्नौर के अंदर। इसकी अगर हम बात करें इसके अदर नाम की, तो इसको आपको कभी कभी किन्नर कैलाश के नाम से भी जानते हैं। किन्नर कैलाश भी जो है क्वेश्चन में आता है, किन्नर कैलाश पीक कहाँ है। तो रालदांग जो पीक है इसी का जो है अदर नेम है, रालदांग पीक का ही अदर नेम है किन्नर कैलाश, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो है वीडियो प्रोवाइड करा जाए। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। अगर आप मेरे जो है रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, तो मैंने आपको जो इससे पहले एक लेक्चर प्रोवाइड कराया था, वो आपका आई थिंक टेट नॉन मेडिकल का था, उसमें इसको कराया था, उसमें अदर पूछा, उसमें कसोल पूछा गया था। तो वहीं पर मैंने बता दिया था आपको कि मणिकर्ण भी यहाँ से पूछा जाता है, कुल्लू से जो है पूछा जाता है। कुल्लू में है आपका मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग जो है, और इसी के साथ साथ आपको याद करना है यहाँ पे है खीरगंगा। खीरगंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता रहता है, खीरगंगा कसोल, ये कहाँ पर है तीनों, ये लोकेटेड है तीनों कुल्लू के अंदर। वैसे तो और भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पूरा पेपर चाहिए पीडीएफ, तो himexam.com वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप इसे पूरा जो है डाउनलोड कर सकते हो। चंद्रभागा घाटी को लोकप्रिय रूप से जानी जाती है, तो चंद्रभागा जो वैली है इसे हम बोलते हैं पाटन वैली या पतन वैली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपकी लाहौल स्पीति के अंदर। चंद्र और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती है, तांडी के अंदर, तांडी पे चंद्रा और भागा मिलती है, तो चिनाब नदी का जो है निर्माण होता है, तो ये वहीं पे लोकेटेड है, पतन वैली बोलते हैं सेम, ये लाहौल स्पीति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें, विच लेक फीड्स पब्बर रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो कौन सी झील से जो है शिमला में पब्बर नदी को पानी मिलता है या उसको भरती है, ये है आपकी चंद्र नहान लेक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको याद करना है गढ़कूफर एक और लेक है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, शिमला के अंदर। चंद्रनाहम भी शिमला में है, गढ़कूफर भी शिमला के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें रिवालसर, ये आपकी मंडी में है। सरवालसर की बात करें कुल्लू के अंदर है रेणुका जी, ये जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है नेचुरल लेक है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ रिवर राबी। तो नदियों वाला जो भी चैप्टर होगा, नदियाँ हिमाचल की जो भी नदियाँ हैं उनके पुराने नाम, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ अक्सर पूछी जाती है, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। नदियों वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी एक या दो दिन बाद जो भी लेक्चर आपके पेपर होंगे, उन पेपरों को एनालिसिस करके, ठीक है, उनका पूरा एनालिसिस करके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बता दूंगा, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिपासा की बात करें तो ये आपका व्यास नदी का है, चंद्रभागा तो ये चिनाब नदी का नाम है। तुद्री की बात करें तो तुद्री जो है संस्कृत नाम है आपका सतलुज नदी का। टोटल रिवर्स की अगर बात करें, टोटल मेजर रिवर्स है हिमाचल की कितनी, 5। महलोग राज्य की स्थापना किसने की थी, तो महलोग जो राज्य था इसकी स्थापना की गई थी वीरचंद द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अयोध्या से आए थे और यहीं पे आपको याद करना है इनका अंतिम राज्य भी, जो अंतिम शासक था उसके बारे में भी पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन था महलोग डोमिनियन का, तो ये थे आपके ठाकुर नरेंद्र चंद जो थे, ये महलोग के जो है अंतिम राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट है सुकेत रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सुकेत रियासत की स्थापना जो है 765 AD में हुई थी। अभी जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है, अभी क्या जो है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये आपकी मनी है सुकेत रियासत प्लस मंडी रियासत से,
स्केत रियासत और मंडी रियासतों को मिलाने से जो है मंडी ज़िला बना हुआ है आपका। तो मैंने आपको बता दिया मंडी जो ये आपकी स्केत रियासत है ये 765 में बनी थी। अच्छा, इसका जो शासक था उसका संस्थापक था उसके बारे में पूछा जाता है कि इसने इसकी जो है स्थापना की, तो वीरसेन द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बनासर किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो बनासर जो फोर्ट है आपका गोरखों ने बनवाया था, ये कसौली के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु के आसपास है कहीं ये बनासर फोर्ट, गोरखों ने इसे जो है बनाया था। नेक्स्ट देखिए, किसे लोकप्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, तो गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश खजियार लोकेटेड कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारे स्विट्जरलैंड है तो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग तो खजियार। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला की यात्रा की थी, लॉर्ड मेयो जो है शिमला की यात्रा पर किस वर्ष आए थे, ये आए थे आपके 1871 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मैंने यहीं से आपको बताया था कि महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है, महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम जो है हिमाचल कब आए थे, तो 1921 में महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, तो हिमाचल जो है सी स्टेट कब बना था, देखिए अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो 1951 जो है आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में जो है 1951 देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमीरपुर बोर्ड जो है फाइनल आंसर के में भी आंसर देता है, जो हमीरपुर बोर्ड कंसीडर करता है 1950 को करता है, ठीक है, तो हमें जो है 1950 पे टिक करना है, 1950 राइट आंसर होगा, क्योंकि फाइनल आंसर के में भी जो क्लेम किया जाता है हमीरपुर द्वारा 1950 ही किया जाता है, लेकिन बुक्स के अंदर आपको मिलेगा 1951। तो आपको देखना है यहाँ पे आपको जो है सही आंसर करना है, क्योंकि आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से ही चलना है। अगर आपको एक नंबर चाहिए इसमें तो 1950 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। शोंगटोंग कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन सी कंपनी बना रही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से ज़िले में है, ये चारों पांच चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। तो ये जो कड़छम शोंगटोंग कड़छम परियोजना है ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सतलुज रिवर के ऊपर है, सतलुज रिवर के ऊपर है। इसे जो है HPPCL द्वारा जो है बनाया जा रहा है। इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 450 मेगावाट जो है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, प्रसिद्ध नरसिम्हा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो नरसिम्हा जो टेंपल है ये आपका भरमौर में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको जो है नरसिम्हा की जगह नरसिंह टेंपल के नाम से भी क्वेश्चन आएगा, नरसिंह टेंपल कहाँ पे है, तो भरमौर आपको याद करना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पुस्तक जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स किसने लिखी है, तो ये लिखी है चंद्र शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा दो बुक्स और पूछी जाती है चंद्र शर्मा गुलेरी की जो आपको याद करनी है। फर्स्ट है उसने कहा था बुक का नाम है उसने कहा था, आई थिंक हमने टेंथ में पढ़ी थी, टेंथ एट्थ में। और सेकंड जो बुक है इसका नाम था बुद्ध का कांटा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्ध का कांटा, ठीक है। ये दो और बुक्स है इनकी चंद्र शर्मा गुलेरी की जो रिपीट की जाती है हमीरपुर बोर्ड द्वारा, तो ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, स्मार्ट अप ग्रांट जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस भारतीय बैंक ने से संबंधित है, तो ये किसने लॉन्च किया, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया HDFC बैंक द्वारा। अगर करंट अफेयर की बात करूँ तो जो भी अभी करंट का सिनेरियो चला हुआ है आपका एग्ज़ाम का, तो करंट अफेयर जहाँ तक मैंने देखा है जनवरी और फरवरी 2021 के आ रहे हैं, जनवरी प्लस फरवरी 2021 के आ रहे हैं। तो मैं आपको जो है यही सलाह दूंगा कि आप जनवरी से लेके जैसे अभी एग्ज़ाम चलेंगे आपके अक्टूबर तक, 10-12 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो जनवरी से लेके आप मई तक के जो भी करंट अफेयर है उन्हें जो है कर लीजिएगा। अगर आपके पास PDF नहीं है, आपको जो है करंट अफेयर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मेरे पास है PDF सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला छठा भारतीय बना है, तो यह है ईशांत शर्मा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PDF जो है सब कुछ फ्री में है। भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित में स्थापित की गई, तो फर्स्ट जो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है आपका लद्दाख में, लद्दाख के अंदर एक विलेज है पुगा विलेज में जो है अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। अच्छा, इसकी कंपनी पूछी जा सकती है कि किस कंपनी द्वारा, तो ONGC जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून के अंदर इन्होंने जो है इसे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप हम मूव करते हैं, ये आपके जो है
रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिसे हम दोबारा देखेंगे दूसरी बार। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्यन भारत में आए थे, तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैं इसे करा चुका हूँ। आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? धनवंतरी जो थे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इनसे दो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। एक तो इन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट होता है। और एक पूछा जाता है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार, पूछा जाता है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको याद करना है धन्वंतरी जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है, गॉड ऑफ मेडिसिन भी धन्वंतरी को कहते हैं। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से थे, कनिष्क के शासनकाल में भी थे, एक था जिनका नाम था चरक, ठीक है, इनके शासनकाल में कौन थे, इनके शासनकाल में थे चरक। कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित था? तो ये थे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे स्लैब ऑफ स्लैब भी कहते थे, ठीक है, गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता था। शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई? तो औरंगजेब के जो शासनकाल था उस समय, जिस समय मराठा की जो स्थापना थी वो शिवाजी ने की थी। अलीपुर बॉम्ब केस में कौन शामिल था? अलीपुर जो बॉम्ब केस हुआ था उसमें अरविंदो घोष का नाम जो है वो इन्वॉल्व था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरविंदो घोष थे कहाँ से? डायरेक्टली एक और क्वेश्चन आता है कि कहाँ से इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोलकाता के अंदर। मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो हमीरपुर बोर्ड या हिमाचल प्रदेश के किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को रिलेट करता हूँ तो सिर्फ उतना ही बताता हूँ जो कहीं से पूछा गया हो या फिर करंट में उसका कुछ बन रहा हो। जैसे कोई क्वेश्चन करंट से रिलेट कर रहा हो, जैसे कर्नाटका की बात आई थी पहले प्रीवियस पेपर में, तो मैंने बताया था कि कर्नाटका में अभी 31वां जिला बना है विजयनगर, तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और जो प्रीवियस पेपर होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताता हूँ जो पूछी जा सके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले तो कब हुई थी, 1885 में, पूछा जाता है किसने की थी, तो एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी हेल्ड कहाँ पे हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। किसकी प्रेजेंटेंसिप में हुई थी, किसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एक की थी डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, वोमेश चंद्र बनर्जी, इनकी अध्यक्षता में फर्स्ट जो मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे तो कर तो इसे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको अमेंड कर सके या इसमें कुछ संशोधन कर सके, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अब लोकसभा में ही पारित किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहीं से जो डायरेक्टली पुट आउट होता है कि कौन तय करता है कि कोई मनी बिल है या नहीं, ठीक है, जैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन तय करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसे तय करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका दायित्व होता है किसी बिल को जो है एनालाइज करने का कि वो मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो ये थी आपकी कौन, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह किसको लिखकर ऐसा कर सकता है? जो हमारे करंट टाइम में प्रेसिडेंट है, अगर वो इस्तीफा देना चाहें तो किसको रिजाइन देंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति अभी हमारे जो कोविंद है, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी है, उनकी एज जो है पूछी जाती है कि राष्ट्रपति की एज पूछी जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो 35 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक मनी इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक मनी से रिलेटेड। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी ऐसी आय है जिसका जो है भुगतान या जिस पर जो टैक्स है वो छुपाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, आय जिस पर कर का भुगतान प्रायः छुपाया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली रेडिड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेजर एम ऑफ डिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर अब मूल्यन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मेन मोटिव है वो है एक्सपोर्ट को जो है एनकरेज करना, निर्यात को जो है बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर है जो थोड़ा कम हो जाए। हॉटेस्ट प्लैनेट, तो ये भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पहले, 2-3 परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे जो है शुक्र को जो है सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी हम कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी से कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवात अपने साथ क्या लाते हैं? तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये अपने साथ
कैरी करते हैं मध्यम वर्षा को, यानी मिल्ड रेनफॉल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफिक वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच, तो सबसे गहरी जो खाई है वो कहाँ पे है, वो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है। खाई का नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त जो है इस खाई का नाम है। नेक्स्ट है कंपाला किसकी राजधानी है, ये भी रिपीट हो चुका है, कंपाला जो है युगांडा की कैपिटल है। नियाग्रा जलफॉल जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है, नियाग्रा ये है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लैटराइट मृदा पाई जाती है, लैटराइट जो सॉइल है ये आपके पश्चिम घाट में यानी वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी क्वेश्चन में जो है डायरेक्टली आपको स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को काट के जो है स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, तो स्टेट में आपको याद करना है केरल, ठीक है। मोस्टली जो पाई जाती है वैसे तो काफ़ी राज्यों में है लेकिन केरल भी होगा उसमें ऑप्शन में, तो आपको केरल के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट देखिए विच स्टेट लीड्स द इरीगेशन बाय टैंक्स, अगर टैंक्स के द्वारा सिंचाई की जाए तो सबसे नंबर वन पे कौन सा राज्य होगा, टैंकों द्वारा सिंचाई अग्रणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु, ठीक है। जब भी टैंक्स की बात आएगी, टैंक्स से जो इरीगेशन सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा वो तमिलनाडु के अंदर की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे।